हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला लग रही है क्लास ट्वेल्थ के लिए। डेली आपके लिए हमारे चैनल के थ्रू आपको बहुत ही अच्छे लेक्चर पढ़ाए जाते हैं ताकि आप अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। और मैं यानी कि रूपाली वर्मा डेली आपके लिए कोई ना कोई हिंदी की क्लास लेकर ज़रूर आती हूँ। आज जो क्लास लगा रही हूँ वो है ट्वेल्थ के लिए। ट्वेल्थ का मैं पढ़ा रही हूँ कोर सिलेबस। हमेशा ये चीज़ ज़रूर मैं हार्डली मेंशन करती हूँ आपके लिए कि ये कोर है कि इलेक्टिव है, क्योंकि ये दो अलग अलग कोर्स हैं, इनमें अलग अलग बुक्स चलती हैं, अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कोर। कोर में हमारी बुक चलती है आरोह भाग दो और वितान भाग दो। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आरोह भाग दो के काव्य खंड को, क्योंकि ये पुस्तक दो खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड का हमारा आखिरी अध्याय जो चल रहा है वो है आखिरी से हम पहलेंगे, एक और इसके बाद अध्याय है, ये सेकेंड लास्ट है काव्य खंड का। कौन सा? रुबाइयां। तो इसका अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, हमने इसका वन शॉट देखा यानी कि व्याख्याएं हमने देख ली, फिर उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हमारे इस चैप्टर के हो चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के आपके एग्जाम ओरिएंटेड कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं, यानी कि वर्णात्मक प्रश्न। ये प्रश्न जो है आपको काफी हद तक क्वेश्चन समझकर और आंसर लिखने में मदद करने वाले हैं, क्योंकि ये जो भी आप कोई भी चैप्टर अगर आप लेते हो तो उसमें हर कवि की लेखन शैली, उसकी काव्य भाषा, सब कुछ अलग अलग होता है। तो अगर आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, आप उस चैप्टर के बारे में उतना जानते हुए चले जाते हैं। तो इस तरीके से यहां पर भी मैं कुछ क्वेश्चन लाई हूं ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझें और आंसर्स को फ्रेम करना सीख लें। तो ये हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सिर्फ इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, और आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने अच्छे से सही शब्दों को और सही तरीके से आंसर लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये है रुबाइयां, फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित है। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर का एक पोर्शन आपके सिलेबस से डिलीटेड है, यानी कि गजल। अगर आप कोई पुरानी बुक देख रहे हैं तो उसमें उसके साथ गजल अटैच है, जबकि नई बुक्स में सिर्फ रुबाइयां हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रुबाइयों के आधार पर बताइए कि माँ द्वारा बच्चे को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। माँ बच्चे को बाहों में झूला झूला रही है, उसे हवा में उछाल रही है, और फिर उसके बाद एक बार और रुबाई में क्या हुआ था कि बच्चा रोने लगा था। क्यों रोने लगा था? क्योंकि उसे चांद चाहिए था। तो माँ उसे दर्पण में दिखाकर वो चांद भी बताती है, कहती है ये ले देखो चांद आ गया है। तो ऐसे ही जो है ना, इसको हम आंसर में देखेंगे कि इसका आंसर हम किस तरीके से बनाने वाले हैं। माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर आंगन में खड़ी है, कभी वह उसे हाथों पर झुलाती है इस तरीके से जैसे मैंने बताया, तो कभी हवा में उछाल उछाल कर प्रसन्न करती है, जिसे लोका देना बोला गया है। बच्चा भी माँ के हाथों झूले में डोलता हुआ खिलखिलाकर हंस रहा है। माँ वात्सल्य भाव के साथ बच्चे को स्वच्छ जल से नहलाती है, उसके उलझे बालों में कंघी कर उसे सुंदर बनाती है। माँ बच्चे को अपनी घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाती है। बच्चा माता की गोद में प्रसन्न रहता है। तो बेसिकली क्या है, वो जो जो कुछ कर रही है खुश रखने के लिए, वो सारे काम आपको यहाँ पर बताने हैं। जैसे दिया ना कि प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कह रही है, क्योंकि बच्चा खेलते समय तो प्रसन्न है, लेकिन जो दैनिक क्रियाएं हैं उस समय भी बच्चा थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, जैसे नहलाना है, इन सारे कामों में कपड़ा पहनाना, कंघा करना। तो यहां पर भी वो काम इतने प्यार से कर रही है कि बच्चा जो है वो मां के साथ प्रसन्न ही रहता है। दूसरा है, दिवाली की रात माँ के वात्सल्य का चित्रण कवि यानी शायर ने किस प्रकार किया है। तो वहां पर वो जब एक नर्म दमक के साथ आती है हाथों में दिए लिए और बच्चे के घरौंदे में जला रही है, वो बच्चे के घरौंदे में भी दिए रख रही है, तो वो वहां उसके बच्चे के प्रति उसके प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही है कि हाँ वो बच्चे को भी उतना ही प्रेम करती है, ऐसे पूरा घर उसके लिए सब कुछ है, वैसे वो छोटा सा जो घर उसका बच्चे का है उसको भी वो उतना ही प्यार और सम्मान देती है। तो ये एक तरीके से माँ का प्यार ही है जो बच्चे के लिए व्यक्त हो रहा है। दिवाली की शाम को घर स्वच्छ तथा पवित्र बनाया गया है, घर को खूब सजा दिया गया है। माँ बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने तथा जगमगाते लावे लाई है। उस रूपवती के चेहरे पर एक आभा है,
वह अपने बच्चे के घरौंदे को सजाती है तथा उसमें एक दीप जलाती है। बच्चा प्रसन्न हो जाता है। अपने बच्चे की प्रसन्नता से ही माँ का चेहरा गर्व से फूला हुआ है। तो वो जो दिया जला रही है उससे क्या हुआ, बच्चा बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और उस प्रसन्नता को देखकर माँ के अंदर भी प्यार आया। तो ये एक तरीके से माँ का वात्सल्य ही है जो बच्चे के प्रति प्रकट हो रहा है। प्रश्न संख्या 3 है, बालक द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ क्या करती है, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। अब देखिए, अगर कोई बच्चा चांद मांगेगा तो वो चांद देना तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं कर सकती। तो अब उस कंडीशन में माँ बच्चे को बहला ही सकती है। तो उस बहलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो एक दर्पण लेकर आई और उसमें चांद को दिखाया। तो वो दिखाकर उसने व्यक्त किया कि लो बेटा तुम्हारे पास चांद आ गया, अब तुम इससे खेलो। सिर्फ कारण यह था कि बच्चा रोना बंद कर दे। तो यहां पे भी माँ का प्यार ही दिखा हमको, दिखा कि नहीं दिखा। तो वही चीज है कि किस तरीके से वो बच्चे का रोना चुप उसको बंद कराती है और उसको बहलाती है। क्योंकि जो चीज मांगी, जरूरी नहीं कि जो चीज मांगी जाए वो हर एक चीज देना पॉसिबल हो, लेकिन अनदर वे होते हैं कि बच्चे को उसमें बहला दिया जाए, जैसा कि माँ ने किया है। बालक जिद करके अपनी माँ से चांद के खिलौने की मांग करता है। वह मचल रहा है और तुनक रहा है, यानी कि एक तरीके से ना बच्चा हर बात पे गुस्सा कर रहा, नहीं दे तो हम गुस्सा करेंगे, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। माँ उसे अन्य खिलौनों से बहलाने की कोशिश करती है, पर बालक चांद का खिलौना ही चाहता है। माँ घर के अंदर से आईना ले आती है। वह आईने में बच्चे को उसका चेहरा दिखाती हुई कहती है कि लो अब चांद धरती पर उतर आया, कि अर्थात जिसके लिए तुम मांग कर रहे थे वो लो मैं धरती पर ले आई, अब तुम इससे खेलो, है ना। प्रश्न संख्या 4 है, रक्षाबंधन की तैयारी का वर्णन कवि शायर ने किस प्रकार किया है। अब रक्षाबंधन में जो तैयारियां हो रही हैं, किस तरीके से जो वेदर है, आसमान है, जो प्रकृति है वो भी तैयारी कर रही है और घर में भी तैयारी हो रही है, किस तरीके से राखी बांधी जा रही है, दोनों प्रेम से हैं, भाई बहन, ये सारी चीजें आपको बतानी है। देखिए, रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह जब आकाश पर काले बादल छाए होते हैं तो एक नन्ही सी बच्ची अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने को तैयार होती है। वह नन्ही सी बच्ची बड़े उत्साह में वह उमंग के साथ हाथ में राखी लेकर खड़ी है। क्या कर रही है, वो हाथ में राखी लेकर खड़ी है। राखी के लच्छे से बिजली से चमक है, ऐसी ही चमक उस बच्ची के चेहरे पर भी है। क्यों, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न है इस त्योहार को लेकर कि वो अपने भाई को वो राखी बांधेगी। तो ये सारी चीजें जो है ना, कि जिस तरीके आप हम लोग के घरों में भी रक्षाबंधन होता है तो किस तरीके से होता है कि बहन जो है वो प्लेट पे पूरा पूजा की थाली लगाती है, दिया रोड़ी चंदन वगैरह रख के अच्छे से, और राखी रख के और तैयार कर आती है अपने भाई के पास, उसको तिलक करती है, आरती उतारती है और फिर राखी बांधती। उस दौरान बहन के चेहरे पे जो चमक होती है वो चमक आप पूरे साल नहीं देखोगे, ठीक है, उतनी खुशी उतनी चमक उसको नहीं दिखाई देगी। तो वो रिफ्लेक्शन है उस चांदी का, वो जो राखी जो है ना उसका रिफ्लेक्शन है वो, कि वो कितने अच्छे तरीके से वो राखी के साथ उस भाई के साथ उसे प्रेम व्यक्त करने का जो मौका मिला है वो उसके लिए बहुत अहम होता है। प्रश्न संख्या 5 है, रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में लिखिए। कि अब हमें जो रुबाइयां हैं उनके आधार पर किस तरीके से दीपावली में माहौल है, सारी चीजें दिख रही हैं, और कैसा रक्षाबंधन में है, ये दोनों चीजें हमें अपने शब्दों में लिखनी है। तो देखिए क्या है, दिवाली का त्योहार, पूरा घर रंग रोगन से चमक रहा है। माँ अपने नन्हे से बच्चे को प्रसन्न करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर देती है। वह बच्चों के घरौंदे में दिया जलाती है। इसी प्रकार राखी के त्योहार के दिन आकाश में हल्की घटा छाई हुई है। छोटी बहन ने पांवों में पाजेब पहनी हुई है। वह अपने भाई के लिए चमकदार राखी लेकर आती है, जो चमकदार लच्छों सी चमकती है, कि चमकदार हो एकदम स्पार्कल करती हुई जो राखियां होती हैं, शिमर करती हैं जो उनकी, वह उसको अपने भाई की कलाई पर बांधती है। तो जो रुबाइयों में जिस तरीके से मेंशन किया गया उसी तरीके से आपको इसे यहां सरल शब्दों में मेंशन करना है।
फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। घर में जो घरेलू माहौल होता है उन्होंने वही चीज रुबाइयों में रखा है, मतलब उन्होंने कोई स्पेशल चीज हमें बताने की कोशिश नहीं करी। एक बच्चा अपनी माँ के साथ किस तरीके से खुश होता है ये नॉर्मल हर घर में होता है। हम लोगों ने देखा है कि बच्चे को गोद में लेकर ऐसे झुलाना, उसे लोका देना, ये हमारे यहाँ हर घरों में होता है। फिर उसके बाद आइए बच्चे को नहलाना, उसको कंघी करना और उसको कपड़े पहनाना, ये सारे काम भी आम तौर पर सभी घरों में किए जाते हैं। फिर आ जाइए दीपावली में, दीपावली में जो घरेलू जो साफ सफाई रंगाई पुताई होती है, दीयों का प्रज्वलन होता है, राखी के त्योहार में किस तरह से आसमान में घटा होती है, क्या हर एक चीज जो है वो अमूमन सभी घरों में जो घटित होती है वही घरेलू बिंब उन्होंने अपनी इन रुबाइयों में प्रस्तुत किया हुआ है। दिवाली की शाम घर का आंगन साफ सुथरा और सजा सवरा है। माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने सजाती है और उनके बनाए घरौंदे में दिया जलाती है। उस समय उसके चेहरे पर ममता, कोमलता और वात्सल्य के जो रंग बिखरे हैं वे बड़े सार्थक बिंब बनकर कविता में उभरे हैं। मतलब ये जो सारे जो बिंब निकल कर आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, घरेलू बिंब ही है कि जिस तरीके से घरेलू हम सभी के घरों में होता है ये वैसे ही बिंब निकल कर आए हैं। प्रश्न संख्या 7 है, फिराक की रुबाइयों में घरेलू वातावरण के मोहक चित्र हैं। इस कथन का उदाहरण पुष्टि कीजिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जितनी भी जितने सामने रुबाइयां रखी गई हैं आपके, कम से कम 4-5 रुबाइयां हैं, उन 4-5 रुबाइयों में आप देखोगे जो भी चीज उभरी है वो हमारे घरेलू वातावरण से ही प्रेरित है, जो कुछ हमारे घरों में घटता है। तो यही आपको पुष्ट करनी है पूरी तरीके से बात। फिराक की रुबाइयों में घरेलू जीवन के अत्यंत सुंदर चित्र उपस्थित हैं। जैसे माँ प्यारे शिशु को लेकर आंगन में खड़ी है, सभी घरों में होता है, वह उसे झुलाती है, हंसाती है। बच्चे के नहलाने के दृश्य का सजीव चित्रांकन हुआ है, यानी कि जैसा घरों में बच्चों को, छोटे बच्चों को नहलाया जाता है, उनके बालों को बनाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं, वो अमूमन उसी तरीके से ही हो रहा है। इसी प्रकार दिवाली व रक्षाबंधन जैसे पर्व को जिस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है यह आम आदमी से जुड़ा हुआ है। बच्चे का किसी वस्तु के लिए जिद करना और माँ द्वारा उसे बहलाना जैसे दृश्य आम परिवारों में भी दिखाई देते हैं। सिंपल सी चीज है, सभी के घरों में बच्चे ऐसे कि जो चीजें वो मांगते हैं सब दे दी जाती हैं, जो जिद करते हैं उनको नहीं भी दिया जाता तो उन्हें बहलाने की कोशिश करें, ठीक है चलो आज हम नहीं दिलाएंगे, ऐसा करते हैं कल हम लोग वहां चलेंगे तो फिर वहां से उसको लेते हुए आएंगे। अब तुरंत अटेंडम अगर बच्चे ने मांगा तो वो पॉसिबल नहीं है ना देना, बहुत सी चीज जगहों पे हो सकता है। तो उस कंडीशन में उनको बहलाने का जो ये ऐसे जो जितने भी बिंब हैं ये अमूमन सभी आम परिवारों में घटित होते हैं। तो यही चीज हमने यहाँ बताई है कि ये सही कथन है कि यहाँ पर जितने भी चित्र प्रस्तुत किए गए हैं ये सभी घरेलू वातावरण को प्रस्तुत कर रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 8 है जिसमें हमें काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। कुछ पंक्तियां दी गई हैं काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना। काव्य सौंदर्य में हमारे पास दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में जो ये पंक्तियां दी गई हैं इसका क्या भाव निकल कर आया इसे आपको एक या दो पंक्ति में देना होता है। दूसरा कला पक्ष, इसके अंदर क्या शब्दावली है, क्या भाषा शैली है, किस तरीके के अलंकार है, कौन सा रस है, सारी चीजें आप यहां पर बता देंगे कि शब्द शक्ति कौन सी लग रही है सभी कुछ। तो देखिए क्या है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रहे की हवा में जो लोका देती गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो यहां क्या कह रहे, एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर कहां खड़ी है, आंगन में, अपने घर के आंगन में खड़ी है। तो यहां पर आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, चांद का टुकड़ा अर्थात उसका अपना पुत्र उसे गोद में लेकर खड़ी हुई है, हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी, जैसे ऐसे तरीके से गोद लेते हैं ना तो ऐसे झुला रही है उसे हाथों में, इस तरीके से झुला रही है, रह रहे के हवा में लोका देती, यानी कि रह रहे के धीरे धीरे उसे बीच बीच में हवा में भी उछाल रही है, लोका देना यानी कि हवा में उछालना, गूंज उठती खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और ये सारा करने से वो बच्चा इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो खिलखिलाकर हंस पड़ता है और सारे वातावरण में उसकी हंसी गूंजने लगती है। तो ये तो इसका अर्थ हो गया। अब इसका जो है ना आप देखेंगे काव्य सौंदर्य, तो काव्य सौंदर्य में पहले भाव पक्ष और फिर कला पक्ष।
कवि कहता है कि माँ अपने चांद जैसे बच्चे को आंगन में लिए खड़ी है, वह हाथों में झूले में झूला रही है, वह उसे हवा में धीरे धीरे उछाल रही है। इस काम से बच्चे की हंसी गूंज उठती है। तो देखिए ना, सिंपल हमने उसे दो ढाई लाइन में उसको भाव प्रकट कर दिया। चांद के टुकड़े में उपमा अलंकार है। अब चांद के टुकड़े में मतलब अर्थात चांद का टुकड़ा किसके साथ उपमा किया, बच्चे के साथ है। रह रहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन है। उर्दू मिश्रित शब्दावली है। अब इसमें आप देखिए उर्दू शब्द भी आपको देखने को मिल रहे हैं। गायता है यानी कि इसको गाया जा सकता है। दृश्य बिंब है, जितना भी है ये सारी चीजें हम देख सकते हैं, तो ये दृश्य बिंब को प्रकट कर रही है। भाषा सहज व सरल है और उर्दू भाषा है, तो ये जो भी दिया गया है इसमें इसमें क्या है, उर्दू भाषा शब्दावली ज्यादा व्यक्त हुई है। तो आपने देखा यहां पर हमने भाव पक्ष और उसके बाद हमने कला पक्ष व्यक्त कर दिया। प्रश्न संख्या 9 है, गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता स्पष्ट कीजिए। गोदी का चांद कौन होता है, अर्थात उसकी माँ का पुत्र जो बेटा है। गगन का चांद कौन है, गगन का चांद आसमान का चांद। अब इन दोनों के बीच का रिश्ता, अब वो गोदी का जो चांद है वो माँ का बहुत ही प्यारा है। अब वो खेलते खेलते उसकी नजर पड़ी चांद पर और उसे चाहिए चांद। अब वो चांद उसको मिल नहीं सकता तो माँ वो जिद्दियाने लगता है, ठुनकने लगता है, तो माँ उसे दर्पण में दिखाकर बहलाती है। तो इस तरीके से वो क्या कर रही है, बच्चे को बहला रही है। तो इस तरीके से छोटा जो गोदी का चांद है उसका गगन के चांद के साथ रिश्ता बन जाता है, क्योंकि वो उसे एक खिलौने के रूप में चाहता है। माँ जब अपने बच्चे को गोद में लेती है तब वह उसे चंद्रमा के समान सुंदर और आकर्षक लगता है। वह अपने बच्चे पर ममता लुटाती रहती है। माँ की गोदी में बच्चा जब चांद को देखता है तब वह उसे खिलौना मानकर अपने हाथों में लेने को मचल उठता है कि भाई खिलौना है, मुझे दे दो, मैं खेलूंगा। लेकिन एक माँ के लिए तो उसकी संतान ही चांद है, इसीलिए माँ ने बच्चे को आईना दिखाकर कहा कि ले देख चांद। तो इस तरीके से क्या हुआ, आसमान का चांद जो है उस बच्चे के सामने रखकर उसे बहला दिया, क्योंकि जबकि उसकी माँ के लिए तो चांद वही है वो बच्चा। अब वो मांग रहा है असली का चांद, तो वो क्या करती है कि वो चांद दिखा देती है कि हाँ ये देखो चांद है। प्रश्न संख्या 10 है, रुबाइयां कविता के आधार पर सावन की घटाओं और रक्षाबंधन के पर्व पर टिप्पणी कीजिए। अब देखिए क्या है, रक्षाबंधन का पर्व सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सावन मास जिस दिन आखिरी दिन होता है सावन मास का, पूर्णिमा, उस दिन जो है ये पर्व मनाया जाता है। अब सावन का महीना किस लिए फेमस है, वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा करने वाले मास के रूप में ये मंथ माना जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है भाई, जब इतनी वर्षा होगी, बारिश होती है, तो आसमान में घटा छाएगी, बिजली चमकेगी, ये सारी चीजें होती है कि नहीं होती। तो इस तरीके से रक्षाबंधन वाले दिन भी आसमान में घटाएं छाई हुई हैं, बिजलियां चमक रही हैं, सब कुछ है। तो इस तरीके से रक्षाबंधन और सावन की घटाओं का संबंध हो जाता है, क्योंकि रक्षाबंधन सावन मास की पूर्णिमा में ही मनाया जाता है। सावन मास की पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्योहार में अटूट संबंध है। प्रत्येक वर्ष इसी पावन दिवस पर यह पावन त्योहार मनाया जाता है। इस समय आकाश में सब तरफ घटाएं छाई रहती हैं। उधर भाई बहन के हृदय में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम की घटाएं उमड़ती हैं। दोनों ही अर्थात भाई और बहन रस में रिक्त रहते हैं। रस कैसा, मतलब रस का तात्पर्य होता है कि इस दिन का जो आनंद होता है उसी को रस कहा। मेन बेसिकली रस क्या होता है, आनंद, मजा ही होता है। तो इस दिन जो त्योहार में जो मजा है, जो खुशी है, वो उसमें डूबे रहते हैं दोनों भाई बहन। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह जब आकाश पर काले बादल छाए होते हैं तो एक नन्ही सी बच्ची अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने को तैयार होती है। वह नन्ही सी बच्ची बड़े उत्साह में है, वह उमंग के साथ हाथ में राखी लेकर खड़ी है। राखी के लच्छे में बिजली सी चमक है, ऐसी ही चमक उस बच्ची के चेहरे पर भी है। तो समझ में आया ना कि जो घटाएं जो छाई हुई हैं और जो बिजली चमक रही है, जैसी बिजली चमक रही है वैसी ही चमक उस राखी में भी है। तो वो चीज इन्होंने सुंदर करने की कोशिश करी, किस तरीके से चमक चारों तरफ राखी की फैली हुई है।
प्रश्न संख्या 11 है, बच्चा किस वस्तु के कारण लालची बन गया, किसको देखकर लालची बना था बच्चा? बच्चा चांद को देखकर लालची हो गया ना, कि चांद को देखकर ललचाया, तो ललचाया क्यों? क्योंकि उसको चांद वो बड़ा भा गया था, अब उसको वो चाहिए था, तो इसके लिए वो जिद भी कर रहा था अपनी मां से। बच्चा जब चांद को देखता है तो उसका मन लालची हो जाता है, वह चांद को पकड़ने के लिए जिद करता है, वह मां से कहता है कि मुझे यही वस्तु चाहिए। चांद को देखते ही उसका मन लालच से भर जाता है, जैसे हम लोग को भी होता है, कोई चीज अगर अच्छी लगती नहीं हमको यही चाहिए। अब कभी कभी पॉसिबल होता है कि हम उस वस्तु ले सकते हैं, मगर कभी कभी पॉसिबल होता है कि हम उसको नहीं ले सकते। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर मिल सकती है तब तो इजिली अवेलेबल है, पेरेंट्स दिला देते हैं, लेकिन जब नहीं मिलती तो वो हमें बहलाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा भी चांद को देखकर ललचा गया जबकि वो पॉसिबल नहीं था देना, तो माँ ने भी उसको बहलाने का प्रयत्न किया था। प्रश्न संख्या 12 है, फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों में उभरने वाले वात्सल्य के किन्हीं दो चित्रों को अपने शब्दों में चित्रित कीजिए। तो ये जो रुबाइयां हैं इसमें वात्सल्य के कई चित्र आए हैं, जैसे बच्चे का खेल, जो जब माँ बच्चे को झूला झूला रही है या लोका दे रही है तो वो समय हो, या माँ बच्चे के घरौंदे में दिए जला रही है तब है, या बच्चे को नहला रही है, केशों को झाड़ रही है, वस्त्र पहना रही है तब है। तो कई ऐसी जगह है जहां वात्सल्य का चित्र उभरता है। तो आपको जो कोई भी अच्छा लगे ना, सिर्फ दो चित्र उपस्थित कर रहे हैं लेकिन उन्हें अपने शब्दों में लिखना है। दिवाली की शाम को घर स्वच्छ तथा पवित्र बनाया गया है, घर को खूब सजा दिया गया है, माँ बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने तथा जगमगाते लावे लाई है, उस रूपवती के चेहरे पर आभा है और वह बच्चे के घरौंदे को सजाती है तथा उसे एक दीप जलाती है, बच्चा प्रसन्न हो जाता है और अपने बच्चे की प्रसन्नता से माँ का चेहरा भी गर्व से फूल जाता है। तो देखिए, एक चित्र तो हमने ये प्रस्तुत कर दिया, इसी तरह और भी कई सारे चित्र हैं, जो आपको अच्छा लगे उसे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो है, जो आपको अच्छा लग रहा है उसी के हिसाब से उसे आप लिखते जाएंगे। अगला प्रश्न है, रुबाइयां का शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाह रहा है? आखिर बिजली जो इतनी उत्तेजित होती है उसे राखी की चमक के साथ क्यों कंपेयर कर रहा है? अब देखिए क्या होता है, जो बादल आसमान में छाते हैं उसको देखकर हम सभी आनंदित होते हैं, तो उसी तरीके से राखी के पर्व में भी हम सभी आनंदित रहते हैं, लेकिन उस आनंद के बीच जो सबसे मनमोहक चीज होती है वो होती है राखी, क्योंकि वही एक त्योहार है। उसी तरीके से आसमान में जो घटाएं छाई हुई हैं उन्हें देखकर तो हम आनंदित हैं, लेकिन अगर वो बिना बरसे चली जाएं तो क्या वो हमें आनंद प्रदान करेंगी? नहीं करेंगी। तो बिजली जो है वो मेन कारण है जिसकी वजह से वो बादल बरसेंगे, तो इस कारण से जो है उसे बिजली, राखी के जो चमक है उसे बिजली के साथ कंपेयर किया गया। क्या दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जहां बारिश के लिए बिजली वहीं रक्षाबंधन के लिए राखी, और दोनों की चमक क्या है, लोगों को आकर्षित करती है, लोगों को उत्तेजित करती है। रक्षाबंधन में राखी भी भाई बहन को उत्तेजित कर रही है कि बहुत ही ज्यादा एक अट्रैक्शन, क्या कहते हैं वो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होती है राखी। उसी तरीके से जो मौसम होता है उसमें बिजली भी जो चमकती है वो भी हमें उत्तेजित ही करती है। शायर राखी के लच्छों को बिजली की चमक की तरह मानता है, एक नन्ही सी बच्ची अपने भाई के हाथों पर राखी बांधती है, वह बच्ची रस की पुतली है, उसकी उमंग और चपलता देखते बनती है। कहने का मतलब है छोटे बच्चे जिस तरीके से चंचल होते हैं उसी तरीके से वो चंचलता को व्यक्त करा गया है। उसके हाथ में जो राखी है उसके लच्छे से एक चमक निकल रही है जो आकाश में चमकती बिजली की भंगिमा दे जाती है, अर्थात एकदम इतनी तेज चमक रही है उस पूरे माहौल में जैसे लगता है एकदम से बिजली कड़की। दूसरी ओर कवि रक्षाबंधन के दिन आसमान में काले काले बादलों की छटा को दर्शाता है, बिजली की काली काली बादलों के बीच में जो बिजली है वो चमक रही है। ये बादल उस नन्ही सी बच्ची के हाथों में रखी राखी में बिजली की चमक पैदा करती है, यानी कि जो बिजली आसमान में चमक रही है वो ये चमक राखी की और ज्यादा बढ़ा देती है, यानी कि ये मौसम सुहाना उस पर इतना बढ़िया रक्षाबंधन का पर्व, ये दोनों मिलकर बेस्ट कॉम्बिनेशन बना देते हैं उस दिन को अच्छा करने के लिए। प्रश्न संख्या 14 है, फिराक की रुबाइयों में घरेलू वातावरण
के मोहक चित्र हैं, इस कथन को साधारण पुष्टि कीजिए, यानी कि उसमें जितनी भी रुबाइयां हैं वो हमारे घरेलू वातावरण को प्रस्तुत कर रही हैं, ये आपको बताना है। अब बच्चे के साथ खेलती माँ हो, बच्चे को नहलाती माँ हो, दीपावली का त्योहार हो, रक्षाबंधन का त्योहार हो, बच्चे का जिद्दियाना हो, चांद के लिए ललचाना हो, ये सारी चीजें जो है ये सभी के घरों में अमूमन देखने को मिलती हैं, जो आम आदमी के घरों में घटित होती घटनाएं हैं, हम लोग के यहाँ भी इसी तरीके से होता है। तो ये जो फिराक गोरखपुरी है, इन्होंने लोगों के यहाँ ये सारी चीजें देखी और उसे इतने अच्छे तरीके से काव्यबद्ध किया है। फिराक की रुबाइयों में घरेलू जीवन के अत्यंत सुंदर चित्र उपस्थित हैं, जैसे माँ अपने प्यारे शिशु को लेकर आंगन में खड़ी है, वह उसे झुलाती है, हंसाती है, बच्चे को नहलाने के दृश्य का सजीव चित्रांकन है, यानी कि किस तरीके से बच्चे को नहलाया जा रहा है ये बिल्कुल सही कि भाई हम छोटे से बच्चे को हल्का सा गुनगुना एकदम साफ पानी से नहलाया जाता है, तो वही छलकते निर्मल जल से नहला रही है। बच्चे को क्या है, हम एकदम ऐसे करके पानी नहीं डाल देते, उसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके हम लोग पानी डालते ना, ऐसे पानी लेते हैं धीरे धीरे, तो वो छलकाते पानी से नहलाया जाता है। ये भी उन्होंने एकदम माइन्यूटली जो चीजों को देखा है, ऑब्जर्व किया है, उसे इस चीज को बताया है। बना ऐसे तो भाई निर्मल जल से नहलाती है, तो ऐसे मग में पानी लो ऐसे नहला दो तो बच्चा उलझ जाता है, ऐसे नहीं करते, धीरे धीरे से बच्चे को हाथ में अंजलि में पानी ले लेके धीरे धीरे नहलाया जाता है, ताकि उसके ऊपर ज्यादा पानी नहीं पड़े और वो ज्यादा परेशान ना हो। इसी प्रकार दीपावली व रक्षाबंधन जैसे पर्व को जिस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है वह आम आदमी से जुड़ा है, तो हम लोग के यहाँ भी दीपावली और रक्षाबंधन के पर्व इसी तरीके से मनाए जाते हैं जैसे इस रुबाइयों में लिखे गए हैं, है ना। मम्मी ही देखो घर में दिए जलाती है, हम लोग के जो छोटे छोटे घर जब हम लोग छोटे थे तो उसी में उन घरौंदों में, क्योंकि वो एक परंपरा है, दीपावली के दिन घरौंदे जरूर बनाए जाते हैं और वो दीयों से जरूर सजाए जाते हैं। बच्चे का किसी वस्तु के लिए जिद करना और माँ द्वारा उसे बहलाना जैसे दृश्य आम परिवारों में दिखाए जाते हैं। हम लोग के यहाँ भी, अगर आपके यहाँ अभी भी छोटे बच्चे हों तो उन्हें ध्यान देखिए कि वो बहुत ज्यादा जिद करते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, तो हर चीज तो नहीं दिलाई जाती, उन्हें बहलाने की कोशिश करी जाती है, और उस बहलाने की प्रक्रिया को यहाँ बहुत अच्छे से, जैसे बच्चा चांद पर जिद्दी आ गया कि नहीं मुझे चाहिए, तो चांद देना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसे दर्पण में दिखाकर बहलाया गया, तो ये भी एक बहलाने का तरीका क्या है, हम सभी आम परिवारों के वहां होने वाली एक बिल्कुल नॉर्मल सी घटना है जो यहाँ पर दिखाई गई है। प्रश्न संख्या 15 है, फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब जो ये घरेलू जितने बिंब प्रस्तुत किए गए हैं इनकी सुंदरता को व्यक्त करना है, सौंदर्य बताना है कि किस तरीके से, बिंब तो उभर गए हमने बता दिया, अब ये कितने सुंदर हैं ये दिखाना है। जहां यहाँ पर सौंदर्य क्या है, ममता है, कोमलता है, स्वच्छता है, उज्ज्वलता है, सारी चीजें दिखाई गई, आनंद है, सारा चीजें हमें यहाँ पर निकल कर है। दीपावली की शाम घर का आंगन साफ सुथरा और सजा सवरा है, माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने सजाती है और उसके घरौंदे भी दिया जलाती है, उस समय उसके चेहरे पर ममता है, कोमलता है, वात्सल्य के जो रंग बिखरे हैं वे बड़े सार्थक बिंब बनकर कविता में उभरे। तो ये जो सामने चीजें दिख रही है ये क्या आप देख रहे हो, आपको जो रंगे पुतरे घर है साफ सुथरे, ये उज्ज्वलता को दिखा रहे हैं, निर्मलता को व्यक्त कर रहे हैं, माँ का वात्सल्य दिखा रहे हैं जब वो घरौंदे में दिया जला रही, नर्म चमक उसकी कोमलता को दर्शा रहे हैं। तो इस तरीके से हर एक शब्द के माध्यम से बहुत ही अच्छा सौंदर्य उभर कर सामने आता है। प्रश्न संख्या 16 है, बच्चे की हंसी सबसे ज्यादा कब गूंजती है। पहली रुबाई जो है आपने पढ़ी ना कि बच्चे को लेकर वो आंगन में खड़ी है, बच्चे को झुला रही है हाथों पे, हाथों का झूला झुला रही है। अब हाथों का झूला झुलाने के बाद जब वो लोका दे रही है, यानी कि हवा में जब उसे उछाल रही है, तो उछालते समय जो है वो बच्चा खूब खिलखिलाकर हंसता है, बहुत तेजी से खिलखिलाकर हंस रहा है ना, तो इस कंडीशन में वो सबसे ज्यादा खुश है। जब माँ अपने बच्चे को उछाल उछाल कर प्यार कर रही है, यानी कि जो हमारी फोर्थ पंक्ति है उसमें लोका देना, थर्ड पंक्ति सॉरी लोका देना, उस पंक्ति में जो दिया गया है कि वो बच्चे को उछाल रही है,
तो बच्चे की हंसी सबसे ज्यादा गूंजती है। बच्चा खुले वातावरण में आकर बहुत खुशी महसूस करता है। जब वह ऊपर की ओर बार बार उछलता है तो वह रोमांचित होता है। अब जाहिर से देखिए, हम लोग कभी आप जंपिंग जैक्स में जाइए, जो आपका जंपिंग जैक्स होते हैं उनमें कभी आप खुद को प्रेशर करके ऐसे उछालने की कोशिश कीजिए। जब हम ऊपर जाते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है, एकदम ग्रेविटी फ्री होते हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो वही चीज बच्चा भी महसूस करता है, जब उसको ऐसे उछालो ना तो वो बहुत ज्यादा उसे अच्छा लगता है और वो खिलखिलाकर हंसने लगता है, जैसा कि इस रुबाई पहली रुबाई में भी ये चीज मेंशन करी गई है। प्रश्न संख्या 17 है, माँ बच्चे को किस प्रकार तैयार करती है। अब यहां पर जो हमारी दूसरी रुबाई है उस पर ध्यान दीजिएगा कि माँ स्वच्छ साफ निर्मल जल से को छलकाते हुए इसे नहला रही है, धीरे धीरे उसके ऐसे ऐसे पानी डाल रही है और उसको नहलाकर तैयार कर रही है। उसके बाद क्या है, उसके जो उलझे हुए गेसू हैं उनमें कंघी कर रही है, फिर घुटनों में दबाकर उसे कपड़े पहनाए। घुटनों में दबाने का तात्पर्य देखिए, छोटा बच्चा खड़ा नहीं हो सकता और लेटे लेटे पहनाने में दिक्कत होती है, तो क्या करते हैं उसको घुटने के बीच में ऐसे करके दबा लेंगे, तो दबाने से क्या होता है, बच्चा खड़ा हो जाता है, तो ईजिली उसको कपड़ा पहनाना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरीके से घुटनों के बीच दबा के उसे कपड़ा पहना रही। तो ये पूरे को आप अपने शब्दों में लिखोगे। देखिए क्या है, जब माँ अपने बच्चे को उछाल उछाल कर प्यार करती है तो बच्चे की हंसी सबसे ज्यादा बच्चे को छलकते हुए निर्मल और स्वच्छ जल से नहलाती है, उसके बालों में प्यार से कंघी करती है, उसे कपड़े पहनाती है। ये सारे कार्य देखकर बच्चा बहुत खुश होता है। वह ठंडे पानी से नहाकर ताजा महसूस करता है, अपनी माँ को प्यार से देखता है। बच्चा खुले वातावरण में आकर बहुत खुशी महसूस करता है। जब वह ऊपर की ओर बार बार उछलता है तो वह रोमांचित भी होता है। तो उसको तैयार करने से लेकर खिलाने तक की पूरी प्रक्रिया हमने आपको यहां बताई कि वो किस तरीके से खुश है। प्रश्न संख्या 18 है, फिराक गोरखपुरी की भाषा शैली पर विचार कीजिए। तो जो इन्होंने यहाँ भाषा इस्तेमाल करी है, इसमें उन्होंने उर्दू शब्दावली, हिंदी शब्दावली और कुछ जो लोक भाषा है उसका भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो सारी चीजें आपको यहाँ लिखनी है। देखिए क्या है, फिराक गोरखपुरी मूलतः शायर हैं, रुबाइयाँ भी उन्होंने लिखी हैं। इसके लिए उन्होंने सबसे प्रमुख रूप से उर्दू भाषा का प्रयोग किया, यानी कि उर्दू भाषा के शब्दों, उर्दू जो शब्दावली है उसकी बहुलता आपको देखने के लिए मिलेगी। खास बात यह है कि इनकी भाषा में कठिनाई नहीं। उर्दू भाषा अक्सर आप देखोगे ना तो आपको पढ़ने और प्रोनाउंस करने में बहुत परेशानी आएगी, लेकिन जबकि इनकी भाषा बहुत सरल है। हाँ, कुछ शब्द उलझाव पैदा करते हैं लेकिन वे पाठक को कठिन नहीं लगते। तो उर्दू भाषा वाली की तो प्रमुखता है ही, लेकिन आप जो लोक भाषा है उसे भी देखेंगे और हिंदी शब्दावली भी आप देखेंगे, क्योंकि पढ़ते समय हमने ये सारी देखी है उसमें, कि ये सारी शब्दावली उसमें आसानी से हमको मिल रही है। प्रश्न संख्या 19 है, गोरखपुरी की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, कोई भी आज पाठ पढ़ोगे तो हमें उसमें सब देखना पड़ता है, कवि हैं जो वो किस किस उसमें शैली में लिख रहे हैं, कौन से अलंकार हैं, उनकी भाषा शैली कैसी है, उनकी काव्यगत विशेषता है, मतलब एक तरीके से आप उनकी काव्यगत विशेषताओं से अवगत होने चाहिए। तो उन्होंने जहां जहां जो जो अलंकार इस्तेमाल किए हैं उन्हें आप लिखेंगे। फिराक ने कई अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है, इसीलिए उनकी रुबाइयों और गजलों में अलंकारों का प्रयोग थोपा हुआ सा नहीं लगता। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस चैप्टर का हाफ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है आपके इस सिलेबस से, तो वो हाफ था गजल, तो इसलिए गजल इसमें मेंशन है। ये भावों और प्रसंगों के अनुकूल इनमें लगते हैं। शायर ने मुख्य रूप से रूपक, उपमा, अनुप्रास, संदेह और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया है। तो ये सारे अलंकार आपको वहां पर देखने के लिए मिलेंगे, जैसे बिजली की चमक और राखी के लच्छों में, तो यहां पर संदेह अलंकार आपके लिए सामने आ रहा है। लोका दे देकर, यहां पर आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ रहा है। प्रश्न संख्या 20 है, गोरखपुरी की रुबाइयों के कला पक्ष के बारे में बताइए। अब कला पक्ष का तात्पर्य क्या होता है, आप सभी को पता है, मैंने बताया ना, काव्य सौंदर्य में दो चीजें होती हैं, एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। तो कला पक्ष में हम क्या लिखते हैं, कला पक्ष में देखिए सेम जो हमें लिखना होता है, किस तरह की भाषा है, किस तरह की शब्दावली ली गई है, कौन से अलंकार हैं, शब्द योजना क्या है, ये सारी चीजें उसमें व्यक्त की जाती हैं। तो देखिए यहां पर क्या है,
गोरखपुर की रुबाइयां, गोरखपुरी की रुबाइयां कला पक्ष की दृष्टि से बेहतरीन बन पड़ती हैं। भाषा सहज, सरल और प्रभावी है। भावानुकूल शैली का प्रयोग हुआ है। उर्दू शब्दावली के साथ साथ शायर ने देशज संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया, यानी कि जो देशज लोकल शब्दावली है संस्कृत की, वो भी इस्तेमाल की गई है। स्वाभाविक ढंग से किया गया है। लोका, पिन, हाथी, पुते, लावे आदि शब्दों से प्रयोग उनकी रुबाइयां अधिक प्रभावी। अब ये देखिए, ये क्या है, ये सभी देशज शब्द है। संस्कृत शब्दावली भी आपको मिल रही है, हिंदी शब्दावली भी है, उर्दू की प्रधानता है, लेकिन ये सारी चीजें भी आपको देखने के लिए वहां पर मिल रही हैं। फिर कला पक्ष में आप अगर अलंकार योजना भी डाल देंगे तो उनमें आप ये बता देंगे रूपक है, उपमा है, हैं ये सारे संदेह हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास है, ये सारे अलंकार आपको देखने के लिए उसके अंदर मिल रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा कला पक्ष आपका यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। और इस प्रश्न के कंप्लीट होते ही हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट पे आ गया। आई होप आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि हमने इसके सभी पैटर्न्स आपको लगभग कंप्लीट करा दिए। जहां हमने वन शॉट में ये पूरा चैप्टर आपको समझाया, वहीं हमने इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराए, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराए, और फिर उसके बाद हमने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रिपरेशन करा दी। वो हमने प्रिपरेशन कराई आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के व्यू में। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अब हम बढ़ चुके हैं अपने काव्य खंड के आखिरी अध्याय पर, यानी कि कौन सा, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इसी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ में लेकर आ रही हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।